हेलो हेलो टेस्टिंग माइक हेलो 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 सील इसका यार ये है ताइवान अपने इंडिया का नहीं हाँ ये सब फिर वो वालू मिट्टी में लगेगा उससे फिर जी जीरो बनेगा ठीक है ना उससे फिर हम लोग जीवन जी टू जी डेढ़ से दो कुंटल दो साल में आप देख रहे हैं ना सर वो इस टाइप की कोकोपीट होती है उसमें ये पूरा कोकोपीट डाल के ये बीज इसमें ही लगाया जाता है इसमें ये जो वर्टिकल आपको प्लेन है इसमें जो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जिसको इसमें स्टरलाइज करते हैं इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जो भी उसमें माइक्रोब्स होते हैं मतलब फंगस या बैक्टीरिया वो उसमें 121 डिग्री टेम्परेचर जाता है इसका वो सारे फ्रीज हो जाते हैं और लैब के अंदर जब हम लोग एंट्री करते हैं या अंदर जाते हैं मॉस कैप अपरेंट और जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे ऑपरेशन होता है अंदर प्लांट की कटिंग होती है ये इस टाइप के यहाँ से स्टाइलाइज होके भी सब बदल जाता है स्प्रेड कॉटन वो सब सर तो इससे क्या कि फंगस और बैक्टीरिया का तो अंदर आने के चांसेस कम रहता है जब बर्फ में आदि होता है तो इसको यूज करते हैं ये आफ्टर 21 डेज पे आके इसका ऑपरेशन होता है प्लांट को सेपरेट सेपरेट करके एक बोतल से चार बोतल फाइव बोतल हम लोग फिर से कंप्लीट करते हैं जैसा कि आप सब यहाँ बोतल देख रहे हैं अब ये जो है ये हो गए कंप्लीट इसके बाद जो इतने इतने बड़े इसमें प्लांट लगाए गए अब ये आफ्टर 21 डेज ये प्लांट शुरू हो जाएगा ये प्लांट यहाँ पे जो है आलू उत्पादन होगा ये वायरस फ्री होगा 100% इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा और उत्पादन क्षमता इसमें 100% मतलब कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो 100% उत्पादन होता है हमारे यहाँ की कुछ वेराइटीज है उनका उत्पादन एक बीघे में लगभग 120 बैग तक होता है इतनी से एक एकड़ में 500 से 550 बैग का उत्पादन हो रहा है और लगभग रिसेंट वेराइटी है वो श्री मोहन है दीपक है संगम है फिर है और जो बाकी जो कंटिन्यू चले चिप्सोना वन चिप्सोना काफी हम लोग सर काम देना चाह रहे हैं इसमें पीछे 100% जितने माइक्रो एलिमेंट्स मैक्रो एलिमेंट्स हार्मोन प्रोटीन जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब इसमें है ठीक है ना एज लाइक मिट्टी जो मिट्टी में छोटा सा प्लांट लगाते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है वही इसमें है सब इसको हम लोग आर्टिफिशियल ये हम लोगों का ग्रोथ चैम्बर है इसमें सर आप ये देख सकते हैं इस प्रकार के आलू के प्लांट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे
टेम्परेचर 21 से 23 डिग्री के बीच में रहता है जी। हम लोग इस ग्रोथ चेम्बर में है, यहाँ पे आलू के सारी बॉटल्स रखी हुई है टिश्यू कल्चर की, और ये जो है ये वैरायटी है कुफरी मोहन है, ये संगम है, तो इनका यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस प्लांट में इस रूम में 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और इसका ह्यूमिडिटी 80-100% रहती है इसमें, और इसको लाइट के लिए ट्यूबलाइट लगी हुई है जो लक्स इंडस्ट्री उससे प्रोवाइड होती है, और ये इसमें पूरे साल काम चलता है। लगभग अभी 20 वैरायटीज हैं जो 20 वैरायटी पे हम लोग टिश्यू कल्चर पे काम, ये सनलाइट के लिए देते हैं। इसमें राहुल जी आप विदेश में अच्छी नौकरी छोड़ के फरकाबाद काम कर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं? सर हमारा नाम राहुल पाल है और मैं अफ्रीका में था, वहाँ काम कर रहा था। एक्चुअली मैं मेन रीजन सर ये है कि यहाँ पे आलू का मेन उत्पादन है और मेरा एक्सपर्टीज आलू में ही है, तो मैंने MSc जो बायोटेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट था मेरा आलू पे ही था, टिश्यू कल्चर में काम किया है मैंने, तो यहाँ जो किसान भाई हैं उन्हें आलू में सर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इस वजह से उस पर मैं टिश्यू कल्चर आलू पे काम कर रहा हूँ, और काफ़ी जो किसान हैं लगभग 4-5 हज़ार हमसे लाभान्वित हो चुके हैं। इसका सर रीज़न ये रहा कि हम जहाँ के मूल निवासी हैं वहाँ पे आलू का बहुत बड़ा हब है, और बाहर फॉरेन में भी आलू पे ही काम कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने मुझे लगा कि यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के लिए इवन अपने इंडिया के लिए कुछ काम करना चाहिए, यहाँ लोगों को रोजगार देना चाहिए। आपके अंदर कितने काम कर रहे हैं, कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ सर 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, लगभग 5-6 हज़ार किसान हमारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, आलू है, केला, पपीता और भी काफ़ी चीज़ें और ऑर्नामेंटल से हमने किसान भाइयों को दिया है। लंबे लगे रीति गालो खुदत रे के काम और का मैं नाम विजय चतुर्वेदी। पीसे से आप क्या जी? पीसे तो आपने यहाँ कैसे आए? राहुल जी का ज़्यादा नाम सुना मैंने, और एक अच्छे टिशू का काम करते हैं, बीजी का काम करते हैं, लोगों को किसानों को फायदा हो रहा है, तो मैं भी आज इनसे आया हूँ आलू लेने के लिए, बीज उसे खेती के लिए काम करेंगे। चलिए